ये बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ये बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, मेरे चुनू ने मुझको ललकारा है, मेरे इशिया ने मुझको ललकारा है, मेरे गुनाहों ने मुझको ललकारा है, मेरी तसाउरी और सुस्ती ने मुझको ललकारा है, मेरे जिस्म के हर हिस्सों ने मेरे शराब कवाई देकर मुझको ललकार दिया है, यही नजरिया, यही इश्क। शेर शेर बिहार ने गांव की पगडंडियों में, गांव खेड़ों की झोपड़ियों में, महल और खलियानों में यही पैगाम दिया है, और यही यही अकीदे इश्क मेरी मुट्ठी में पिलाया है। तब ये मुरीदों का लश्कर नहीं बल्कि रजा की फौज का जत्था आया है, जो जमाने को बता रहा है कि बरेली से टुकड़ा उठा था, चला था मकसूदपुर से, पहुंचा था बरेली, और वहां से इश्क का पानी लेकर आया है, तो इलाके में झूम कर बरसा और शान से बरसा कि आज कोई गांव कस्बा गली नहीं बची है, जिस गली में मसल के आला हजरत का झंडा न लहरा रहा हो। मेरे परवरदिगार, मेरे मुफ्ती आजम की उस अमानत को फिरदौस बरी में खूब आला मका मका फरमा, मौला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के खींचे हुए खत पर चले, और जब हम चले तो मेरी जबा से भी यही सदा बुलंद हो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर, कुदरत नमा के वास्ते आप उनकी ज्यादत फरमा रहे हैं, जिनको अहले सुन्नत गर्व और फख्र के साथ शेर कादरियत कहता है, और मैं इनको मोहब्बत से सिर्फ शेर कादरियत नहीं कहता बल्कि मसल के आला हजरत की न हिलने वाली न डोलने वाली वो दीवार कि कोई किसी खानकाह से उंगली दिखा दे, तो ये वो कादरी लाल है जो रजा के अकीदे की चट्टान बनकर खड़ा होके कहता, अभी गयासुद्दीन जिंदा है, अभी गयासुद्दीन जिंदा है, जब तक के कालकी के शहजादे बाकी रहेंगे, सादात की नजमत का कुलाह पहनकर रजा के अकीदे पर खंजर मत मारना, वरना उंगलियां तुम दिखा रहे हो, कलाइयां मैं मड़ोल दूंगा, उंगलियां तुम दिखा रहे हो, कलाइयां मैं मड़ोल दूंगा। अल्लाह रब्बे जलाल इनका साया दराज फरमाए, और हुजूर शेर बिहार के लगाए हुए इस चमन पर मैं बैठे बैठे स्टेज पर अंदर देख रहा था, क्या तख्ती लगी है, लिखा है ऊपर में गुलशने नूरी, मोहब्बत से बोल आप आए हो लेकिन पढ़े नहीं, ऊपर लिखा गुलशन नूरी, कोई बीच में इसका मफहूम ना बदल दे, इसलिए नीचे भी क्लियर कर दिया है मसलके आला हजरत, यानी नूरी चमन वही होगा जहां रजा का मसलक होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल आने वाले तमाम जायरीन, मुतकदीन, मुतवस्सिलीन और उलमाए जमील एहतराम जो पढ़े हों वो भी, जो न पढ़े हों वो भी, बिल वास्ता या बिना वास्ता, ये सब अपने अपने कीमती वक्त के साथ हर साल उर्स में इकट्ठा होकर बताते हैं
अगर अल्लामा सदर जी या मुफ्ती हसन साहब या जो इनकी सुलभी औलादे हैं, फकत वही उनकी औलादे नहीं, शेख बिहार की रूहानी औलादे जिस गांव में हाथ डालोगे दो चार खड़े हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे बुजुर्गों का साया हम पर सलामत रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।